आज मैं top 3 सबसे इम्पॉर्टेंट top 3 स्किल्स बताने वाला हूँ जो एक बिजनेस एनालिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ ऑब्वियसली देर आर मल्टीपल स्किल्स, जो स्किल सेट्स का लिस्ट है वो तो बड़ा है बिजनेस एनालिस्ट का, बट top 3 एज पर मी आर दिस. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे फर्स्ट इज कम्युनिकेशन स्किल्स. नाउ ये बहुत ज़्यादा अंडररेटेड है एंड बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बात नहीं होता है कि कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने क्यों इम्पॉर्टेंट है, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि बी ए एक क्लाइंट फेसिंग रोल है, राइट? तो जब भी आप कस्टमर से बात करते हो, कस्टमर के एंड पे जब मैं कस्टमर करता हूँ, तो जो भी आपका प्रोजेक्ट रहेगा, जो भी आपका क्लाइंट रहेगा, राइट, उनके हायर डेजिग्नेटेड लोग्स, VP, AVP, बड़े बड़े डेजिग्नेटेड लोग्स आपके साथ काम करेंगे टू गिव यू रिक्वायरमेंट्स, राइट? उनके कंपनी का रिक्वायरमेंट क्या है वो बताने के लिए. तो उस टाइम पे अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल्स हिंदी हो, इंग्लिश हो, वर्बल हो, नॉन वर्बल हो, रिटन हो, अगर वो अच्छा नहीं है तो फिर एक अच्छा इम्पैक्ट नहीं जाता है. यू हैव टू बी क्रिस्प एंड क्लियर व्हाइल यू स्पीक एंड व्हाइल यू राइट एज वेल, ठीक है? सो कम्युनिकेशन स्किल्स आई बिलीव इज दी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट नॉट इवन top 3, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल दैट यू शुड हैव एज अ BA. बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर लेट मी टेल यू गाइज कि मैं एक स्कॉलरशिप रन कर रहा हूँ जो कि बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा आपकी BA जर्नी में, और उसमें अप्लाई कैसे करना है ये जानने के लिए वीडियो एंड तक देखिए. इंट्रोड्यूसिंग ऑनलाइन MBA स्पेशलाइजेशन इन बिजनेस एनालिटिक्स बाय चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ऑनलाइन. इट इज इंडियाज नंबर 1 प्राइवेट यूनिवर्सिटी एज पर QS रैंकिंग इन कोलैबोरेशन विद KPMG इंडिया, विच इज वन ऑफ द लीडिंग इंडियन बिजनेस एडवाइजरी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड रिस्क एंड फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी. इट इज़ अ UGC सर्टिफाइड डिग्री अलॉन्ग विथ हार्वर्ड सर्टिफिकेशन एंड KPMG सर्टिफिकेशन, विच विल किक स्टार्ट यूर BA जर्नी विथ टॉप नॉच इंस्ट्रक्टर्स, इंटरैक्टिव ऑनलाइन लर्निंग, पर्सनलाइज्ड गाइडेंस एंड इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट असिस्टेंस, जो कि आपको आपका फर्स्ट BA जॉब के लिए बहुत हेल्प करेगा. एंड इस प्रोग्राम के लिए मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर एक स्कॉलरशिप रन कर रहा हूँ जिसमें आपको 40,000 तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है. एंड एवरी ग्रेजुएट फ्रॉम एनी डिसिप्लिन कैन अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप. एंड डजेंट मैटर अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल भी हो तो भी बिना जॉब छोड़े आप ये स्कॉलरशिप और ये डिग्री कर सकते हो. आपको ये स्कॉलरशिप अवेल करने के लिए सिंपली एक गूगल फॉर्म फिल करना है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट में ऑलरेडी दे चुका हूँ. जस्ट गो एंड हरी अप एंड सबमिट योर रिस्पॉन्स. हरी अप एज ओनली 20 सीट्स आर लेफ्ट. नाउ लेट्स कंटिन्यू विद आवर वीडियो. सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल इज नथिंग बट प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग. नाउ आई विल टेल यू अ वेरी क्विक एग्जांपल. जनरली क्या होता है ना, लेट्स से अगर आप कोई भी कंपनी के लिए काम करते हो तो आप ना आपका जो काम है वो दूसरे के ऊपर डालने के ऊपर ज़्यादा फोकस रहते हो. दिस इज़ हाउ जनरली पीपल वर्क, राइट? आपको खुद ज़्यादा काम नहीं करना है, दूसरे के ऊपर डालना है. उस चक्कर में क्या करते हैं ना कि आप एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, सामने वाला बंदा बात क्या कर रहा है, उसका प्रॉब्लम क्या है, वो समझने का ट्राई नहीं करते. आप बस काम डेलीगेट करने का ट्राई करते हो. बट यू बींग अ BA, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम कि भाई सामने वाला बंदा अगर इतना क्रिप कर भी रहा है तो वो क्यों कर रहा है. वो प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी अगर आपके पास है तभी जाके जो थर्ड वाला स्किल है वो आपका काम आएगा, राइट? एंड यू बींग अ BA, आपका काम ही ये है कि लोगों की प्रॉब्लम समझो और वो सॉल्व करो, राइट? सो दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड प्रॉब्लम. अंडरस्टैंड करोगे तभी जाके आगे जाके उसके ऊपर काम कर पाओगे. सो दिस इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल. अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखा है तो डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल था. तो डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब कर दिए चैनल को, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज हम लोग आपके लिए लाते रहते हैं. एंड डोंट गो एनीवेयर. बिजनेस एनालिस्ट एज अ रोल बहुत बड़ा रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत इन डिमांड रोल है. मैं खुद एक BA हूँ. अगर आपको जानना है रोल के बारे में, मैंने मल्टीपल वीडियोस बना के रखे हैं, लिंक्स मैं आपको आई बटन में दे दूंगा. जस्ट गो एंड चेक इट आउट. थर्ड एंड द फाइनल एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल इज नथिंग बट सोल्यूशनिंग. सेकेंड स्टेप में आपने क्या किया, प्रॉब्लम समझा. ना वो प्रॉब्लम समझने के बाद में आपको उसके ऊपर सोल्यूशन देना है कि भाई ये तेरी प्रॉब्लम है एंड दिस इज़ हाउ यू विल सॉल्व इट. ठीक है, सोल्यूशनिंग का ही मिलता है पैसा. ठीक है, सोल्यूशनिंग करोगे वो पर्टिकुलर. अभी जस्ट एक एग्जांपल देता हूँ. लेट्स से अगर कोई भी प्रोडक्ट कंपनी के लिए काम करते हो, लेट्स से अगर मैं लीज करियर के लिए काम कर रहा हूँ, राइट, कोई भी मेरा क्लाइंट है वो आएगा मेरे पास कि भाई मेरे सेल्स का प्रोसेस ऑटोमेट नहीं हो रहा है, कैसे करूँ कैसे नहीं करूँ, राइट? तो मेरा काम क्या है, उसका सेल्स का प्रोसेस
ऑटोमेट करके देना है, राइट। प्रॉब्लम क्या है, सेल्स प्रोसेस ऑटोमेट नहीं हो रहा है। सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन इज बाय यूजिंग लीड स्क्वायर, जिससे मैं उसका सेल्स प्रोसेस ऑटोमेट करूंगा, राइट। वो कैसे ऑटोमेट करना है वो दिमाग मेरे को लगाना है, सोल्यूशनिंग का काम मेरा है, राइट। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज अ बीए, आपका सोल्यूशनिंग माइंडसेट होना चाहिए। द बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन आपको डिराइव करने आने चाहिए और क्लाइंट को देने आने चाहिए, ठीक है। सो दीज आर द थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स जो मेरे को लगते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट अ बीए मस्ट हैव। अगर ये नहीं है तो बीए की तरह काम करना आपका बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू इन बिकमिंग अ बेटर बीए। एंड फिर भी अगर आपको कुछ डाउट्स है, मुझसे वन टू वन बात करना है, दैट ऑल्सो यू कैन डू। आपको टॉपमेट के ऊपर स्लॉट बुक करना पड़ेगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देन वी कैन कनेक्ट एंड डिस्कस योर करियर डिफिकल्टी। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।